NMACC इवेंट में नीता अंबानी ने रघुपति राघव राजा राम गाने पर किया ऐसा डांस, देखते रह गए फैन। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी हमेशा ही लाइमलाइट में रहती है। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन और संस्थापक नीता मुकेश अंबानी ने कल्चरल सेंटर यानी कि NMACC का शानदार उद्घाटन समारोह में अपने डांस से समा बांध दिया। इस फंक्शन में जहां अंबानी फैमिली की एंट्री ने लोगों का दिल जीता, वहीं इसमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के कई स्टार्स ने अपनी मौजूदगी से खूब लाइमलाइट बटोरी है। नीता अंबानी का डांस वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू नेशन में नीता अंबानी ने खास परफॉर्मेंस दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया है। फंक्शन में नीता अंबानी ने रेड एंड पिंक कलर का खूबसूरत लहंगे में परफॉर्म किया। नीता रघुपति राघव राजा राम गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। इस गाने को श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज में गाया है। डांस के दौरान नीता के एक्सप्रेशन देखते ही बन रहे हैं। एक एक ताल पर जिस तरह से नीता परफॉर्म कर रही हैं, उसे देखकर आप भी अपनी पलकें हटा नहीं पाएंगे। यहाँ इस फंक्शन में अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट भी उद्घाटन समारोह में शामिल होती हुई नजर आई थी। राधिका ने फंक्शन में अपने लुक से हर किसी का दिल जीता। वहीं आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका अंबानी ने भी शिरकत की थी। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में अंबानी निवास में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई थी। अंबानी निवास पर रिंग सेरेमनी से पहले गोलधना और चुनरी की रस्म का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान दोनों फैमिली ने एक दूसरे को गिफ्ट देकर कार्यक्रम की स्टार्टिंग की थी, जिसके बाद रिंग सेरेमनी भी हुई थी। बोला आपको नीता अंबानी का ये डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।